फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप MP3 के रिमोट के सेल को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी इसके अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका हम सेल किस तरीके से चेंज करें और इसके अंदर कौन सा सेल लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये थैली में से निकाल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको थैली में से निकाल लिया है। अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये देखें तो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, लेकिन ये सब हमें ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं कि हम किस तरीके से इसको निकालें। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं। आपको जो एक छोटा सा ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि इसको यहाँ पर हमें राइट साइड पे पुश करना है। जब हम इसको राइट साइड पे पुश करेंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे खींचते रहेंगे, जैसे अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूँ, बड़ी जान भी लगा देता हूँ, अगर कोई पेचकस भी लगा देता हूँ, तो ये ऐसे नहीं खुलेगा। जब तक हम ये जो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये वाला लेफ्ट में, हम इसको राइट साइड पे हमें पुश करना पड़ेगा तो ये रिलीज़ होगा। ये देखें, मैं से इसको राइट साइड पे करता हूँ और इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये देखें, हमने इसको निकाल लिया है। अभी हमारे पास ये सेल आ चुका है, देख रहे होंगे। ये घड़ियों में भी सेल लगता है। हमारी जो हैंड वॉच होती हैं, हम जो घड़ियाँ हाथ में पहनते हैं, ये उसमें भी लगते हैं सेल, और हमारे कंप्यूटर में भी ये 3 वोल्ट का सेल लगता है। तो ये अगर आपका ये सेल ख़राब हो जाए तो आप कंप्यूटर की दुकान पे भी आ सकते हैं और 3 वोल्ट का सेल लेकर आ सकते हैं और इसके अंदर आप ये चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।